बस 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 ट्रिप क्यों करदा हर 2 मिनट बाद। जल्दी कर जल्दी कर, तेन लैन आया मैं। किन्नी देर लगनी है? 2 घंटे। 2 घंटे पक्के आ? फिर अज दिहाड़ी इतें गुजर जानी मैं लगता। इतने तो बहुत लंबा काम चलता पाया वा। असल कोई होर तरीका याद नहीं किया हवा वाला टैंकी तो इलावा? आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आए हैं मामी, हमारी बीमार थी उसकी इजाज़त से गए हैं, इजाज़त हमने कर ली है। अब हम सुनील की तरफ जाएंगे। बाइक भी हम पुरानी ले आए हैं और इतना ही पुरानी ले आए हैं और अभी आके हमें याद है कि हमें ट्रेन डलवाना भूल रहे हैं। हमारी कोई पेट्रोल पम्प भी नहीं है और हम जा भी सुनील की तरफ गए हैं। जहन से निकल कर गाड़ी का तेल भी चल रहा है, खर्चे आग भी किया और आग लगता गरीब हो गया। वही हुआ जिसका डर था, पेट्रोल हमने चेक नहीं किया और गाड़ी भी सड़क पर लाके खड़ा कर दिया और साइडों पे कुछ भी नहीं है। असद आज तो बहुत कुत्ते वाली हो गई है, गाड़ी भी पुरानी है, पेट्रोल भी चेक किया, आज नहीं स्टार्ट होती है वाली। कितनी बड़ी गलती की थी अपन ने। और पेट्रोल पंप जो है वो सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पेट्रोल पंप है और हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़े हैं। जमीन तक पहुंच जाएंगे, फिर जमीन पर जाकर कुछ ना कुछ मिला बसा कर लेंगे और पेट्रोल हमें व्यवस्था मिल जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं जमीन के तरफ। जमीन थोड़ी सी दूर रह गई है, बहुत सामने जमीन नजर आ रही है। उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी हमें यहाँ तक ले आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम तेल कोई ना कोई मिल जाएगा हमें वापस जाने के लिए। बिलाखिर हम ज़मीन लैंड लॉर्ड पर पहुंच चुके हैं। हम इसीलिए यहाँ थे कि हमें थोड़ा सुकून मैसर आता है, थोड़ी दुनियादारी के शोरगुल से दूर के माहौल बेहतरीन माहौल होता है, इस वजह से हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम सामने देख रहे हैं कि ट्रैक्टर हल चला रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये मेरा कज़न है सामने जो ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ है, ये मेरे कज़न है। तो इन्हें मैंने कहा कि मैंने वीडियो बनानी है, तब तक आप ट्रैक जो टेप लगी हुई है वो बंद करें। तो मेरे कहने पे इन्होंने टेप बंद कर ली है ताकि मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि टेप तो बंद करनी पड़ेगी वरना कॉपीराइट का मसला आ जाता है। अब मुझे कह रहे हैं कि आप वो सामने चले जाएँ, वहाँ अमरूद लगे हुए हैं, अमरूद खाने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ अमरूद, ताज़े ताज़े फ्रेश अमरूद जो बाज़ारों में इस वक्त 120 रुपये किलो तक बिक रहे हैं और हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में खाएंगे। वो सामने अमरूद के दरख्त हैं। आपको कुदरत का एक निज़ाम दिखाता हूँ। ये वाली गंदम काश की थी नवंबर के महीने में, मतलब 11वें महीने के अंदर, और जो इसके पीछे वाली गंदम है वो जो हिस्सा वो काश किया था अक्टूबर के महीने में, मतलब 10वें महीने में, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल तैयार है। ऐसा समझें कि ये 15 दिन की मेहमान है, 15 दिन बाद इसकी कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। और ये वाली जो गंदम है इसको तकरीबन 25 से 30 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं, फिर ये तैयार होगी, फिर इसका कटाई का अमल शुरू होगा, फिर इसके लिए मशीन लगाएंगे। जब मशीन लगेगी गंदम काटने वाली, गंदम निकालने वाली, तब आपको ये वीडियो में ज़रूर दिखाएँगे, वो उसका अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारे असद जो है वो स्टिक ले आए हैं, इस हिस्ट्री के साथ हमने पक्के जो अमरूद पक्के हुए हैं वो हमने तोड़ने हैं। जो कच्चा अमरूद होगा वो हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो खाने के लायक भी नहीं होता और वो पेट में दर्द कर देता है। जैसे अब ये वाला आप अमरूद देख रहे हैं ना, ये एक साइड से पका हुआ है और एक साइड से कच्चा है, ये फिलहाल खाने के लायक नहीं है ये वाला अमरूद। और ये आप देख रहे हैं सामने, एक ये वाला नज़र आ रहा है और एक ये वाला, ये सारे कच्चे अमरूद हैं। जिस तरफ सूरज ज़्यादा लगता है, मैं आपको ले चलूँ सूरज की तरफ, अब वो सामने सूरज ज़्यादा लग रहा है, यहाँ एक ये नज़र आ रहा है, वो ऊपर टहनी है ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो सारे पके हुए हैं, ये पके हुए हैं, मतलब जिधर सूरज की रोशनी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा
देर तक ठहरती है वो पके हुए, बाकी जो अमरूद हैं वो उस तरफ कच्चे अमरूद हैं। ये आम का दरख्त है, ये आम का दरख्त है और ये बूर लग गया ऐसे। ये बूर का मकसद है, यहाँ जो बूर आपको नज़र आ रहा है यहाँ आम लगेंगे। अब ये कहने के 3 से 4 महीने बाद यहाँ आम लग जाएंगे तो छोटे छोटे होंगे, तो इंशाल्लाह ये भी तकरीबन जून जुलाई के अंदर मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये वाला ये आम का दरख्त है, 1 2 3 लगातार लगे हुए हैं। ये ना हो कि तू तोड़े और ज़मीन पर आगे गिरे और इन्ना लीला, वो देख वही हुआ ना, वही हुआ। एक अमरूद अच्छा सा मिला वो भी ज़मीन पर गिर कर शदीद ज़ख्मी हो गया। चारों तरफ से हमने दरख्त छान मारा, हमें कोई पक्का अमरूद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अमरूद की एक मुद्दत होती है, उसके अंदर से तैयार होना होता है। हम शायद मुद्दत से पहले आ गए हैं, इस वजह से हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। वो सामने 3-4 नज़र आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी पके होंगे, क्योंकि वो भी एक साइड से पके हुए और दूसरी साइड से कच्चे हैं। असद है, आ जा, एक नज़र आया मुझे, आ जा, मिल गया, कमाल कर दिया पांडे जी। ये क्या, तो तोते की तरह ऊपर ही बैठ के तोड़ी जा रहा है और ऊपर ही खाई जा रहा है। भूख लगी है तो हमें भी तो याद करना भाई, मतलब हम ही तोड़े हम ही खाए। असद कह रहा है जिसे भूख लगी तोड़ दो, तोड़ने पे पाबंदी नहीं, लेकिन कच्चा तोड़ने पे पाबंदी है, क्योंकि किसान को तब बहुत गुस्सा आता है जब उसकी कच्ची फसल तोड़ दी जाती है, ना वो खाने के लायक होती है ना ही वो फेंकने के लायक होती है, तो किसान की मेहनत ज़ाया होती है, किसान के गुस्सा आता है मेहनत ज़ाया होने पे। ये वाले 2 अमरूद नज़र आए हैं, ये पके हुए लेकिन हैं साइज छोटा, इसलिए मैं इन्हें नहीं तोड़ रहा। मैं कोई अच्छा और बड़े वाला, ये नज़र आ गया, ये आ गया नज़र, ये आ गया नज़र। आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा, कमोन कमोन, ओह आ जा भाई, मिनते करवाएगा क्या, आ जा आ जा आ जा आ जा। ओ भाई साहब, मेरी पेशन कोई साबित हुई, सही साबित हुई कि जो अमरूद पक्का होता है उसे तोता या और परिंदा ऊपर ही खा लेते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, जो अमरूद दरख्त के ऊपर पक जाए उसे तोता उधर ही खा लेते हैं, मतलब ऊपर ही खा लेते हैं। नज़र आ गया, ये नज़र आ गया, ये 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 ये, आ जा भाई जान, आ जा आ जा आ जा आ जा। ओ तेरी खैर हो भाई, कहाँ फंस गया है, वीडियो बनानी यार कोई। आ गया आ गया, नीचे आ गया, आ जा आ जा आ जा आ जा, ये आ गया अमरूद पक्का। और फ्रेश अमरूद तोड़कर खाने में जो मज़ा है, यकीन करें आप जितना मर्जी अच्छा बाज़ार से ले लें, ऐसा मज़ा नहीं आएगा जैसा इसमें ताज़े में है। बेशक मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। आ आ आ, ये जो दुम्बे हैं, गांव में रहने का यही फ़ायदा होता है कि अब ये किस तरह बेखौफ हो के बेलौस हो के चल रहे हैं, मतलब कि ये भी कुदरत का निज़ाम है। साथ ही कीमती फसल लगी हुई है, जो गंदम की फसल है और ये गन्ने की फसल है, ना ये इसे नुकसान पहुंचा रही हैं, ये ना उसे नुकसान पहुंचा रही हैं, ये जो छोटा छोटा घास है ये उसे खा रहे हैं। हालांकि ये इन दोनों फसलों के लिए नुकसानदेह, गंदम के लिए भी और कमाद की फसल के लिए भी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ फालतू घास को खा रहे हैं, अपना पेट भी पाल रहे हैं और समझें कि बीमारियाँ भी ख़त्म कर रहे हैं। ये मेरे कुदरत का निज़ाम है जो आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। मैंने वीडियो बनानी थी तो ड्राइवर ने टेप चला ली, अब मैंने उससे कहा भाई टेप बंद करो ताकि मैं वीडियो बना लूँ, फिर बाद में आप जो जो मर्ज़ी अपना चांडियो वांडियो ये महक मलिक जो भी है जो आपने सुनी है बाद में सुनना। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ से हल गुज़र चुका है वहाँ वहाँ ये परिंदे दाना चुगने आ गए हैं। ये कुदरत का निज़ाम है कि हर चीज़ को अल्लाह पाक ने रिज़क से नवाजना है, तो इनका रिज़क कहाँ छुपा है, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं वो ये खा के अपना पेट पालते हैं, तो जितने ही परिंदे हैं ये इसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं ये।
रुको रुको रुको, ये देखें जी, ये जी हमने रखे हैं कुर्बानी के लिए। इंशाल्लाह इन्हें कुर्बानी पे ईद उल अज़हा के दिन ज़िबा करेंगे, तो इसीलिए ये पाले जा रहे हैं, इनकी भी इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे। जानवर है, सिर्फ एक दिन इन्हें बताया गया कि आपने यहाँ आना है और यहाँ जाना है, यहाँ से खाना है। अब ये खाने के बाद सीधे वहाँ अपने घर की तरफ जा रहे हैं, कोई इन्हें समझाने वाला नहीं है। सिर्फ एक बार कहा था कि आपने ये खाना है, यहाँ से खाना है और वापस घर जाना है, और वो जा रहे हैं। मैंने वो डिसिप्लिन के इतने पक्के हैं, वो सामने एक गंदम काटने वाली मशीन है, इसको थ्रेशर बोलते हैं, इसके लिए अलग कमरा रखा हुआ है, ट्रैक्टर के लिए अलग रखा हुआ है, उनके औजारों के लिए अलग रखा हुआ है, ये स्टोर रूम है, ये इनकी एक्स्ट्रा गंदम वगैरह होती है, ये उन्होंने भैंसों का बाड़ा बनाया हुआ है, यहाँ भैंसें रखी हुई हैं, और ख़ुद के रहने के लिए उन्होंने यहाँ जगह बनाई है जहाँ ख़ुद आराम करते हैं। और इसके अलावा पीछे इनकी मतलब स्टोर रूम, इनके जो अपने ज़ाती इस्तेमाल की अशियाँ हैं वो यहाँ रखते हैं। बेरों के दरख्त पर आ गए हैं, आज बेर उससे ज़्यादा पके हुए हैं, लेकिन नीचे पानी लगा हुआ है, पानी की वजह से हम आगे जा नहीं पा रहे हैं। तो अब हम यही कहेंगे भाई अंगूर खट्टे हैं, जब नाव उखाड़ जाएँ तो खट्टे हैं, इसी वजह से आज अंगूरों तो मतलब बेरों तक हाथ नहीं जाएगा। आज वक्त मगरिब की नमाज के बाद ये असद ने ऑर्डर किया है बिरयानी अराइयों के होटल पर। करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। अपना ढेर सारा ख्याल और हमें दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।